हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन कोड DR 1802। इसमें क्या गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है मास m की, जो कि और एक पार्टिकल है मास उतने ही मास का m का, है ना। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है ये इसकी एकदम एज पे जाके टकरा रहा है, एकदम एज के अलॉन्ग मूव कर रहा है। ये गिवन है कि भाई ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूवमेंट हो रहा है, यानी अपन को ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं देखना है इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल एक टेबल पर रखा हुआ मूवमेंट है ना। तो एक ये प्लेट ऐसे रखी हुई है और पार्टिकल ऐसे कुछ जाके टकरा रहा है, ठीक है। तो ये जब प्लेट थी, इसे ऐसे जब पार्टिकल टकराता है तो ये रोटेट करने लग जाता है। ये गिवन है कि भाई ये जो अपनी रेक्टेंगुलर प्लेट है वो बीच से हिंज्ड है ना, यहाँ से एकदम कील ठोक दिए बीच में से। तो जब ये कील ठोकी हुई है तो जब ये और जब ये टकरा रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि इसको कोई ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं दे पाएगा। जो मोशन आएगा वो सिर्फ प्योर रोटेशन होगा, क्योंकि जो इम्पल्स लग रहा होगा सीधे वो यहाँ के नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। यहाँ का नॉर्मल का इम्पल्स और ये जो पार्टिकल के टकराने के कारण जो इम्पल्स आएगा वो बैलेंस हो जाएगा। ये भी गिवन है कि भाई कि पार्टिकल मास m का है ना, और ये भी m मास m का है, और ये चिपक जाता है एकदम कोलिजन के बाद। पार्टिकल एकदम कोलिजन के बाद यहाँ के पे चिपक जाता है। तो यानी अगर मैं देखूँ, थोड़ा फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाया जाए और मैं बोलूँगा ये मेरा मास m का पार्टिकल है जो कि एकदम एज पे जा रहा है, यहाँ पे एकदम आगे टकराता है, यहाँ पे मेरी हिंज है, ठीक है। तो ये एकदम आके टकरा जाता है और फिर चिपक जाता है, और जैसे ही चिपकता है यहाँ से रोटेशनल मोशन चालू हो जाता है ये ओमेगा से, ठीक है। मुझे यही पता करना है कि भाई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेट आफ्टर कोलिजन क्या है, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं इसमें ये करता हूँ कि भाई क्यों ना मेरे हिंज के अवॉर्ड मेरा, अगर मेरा टॉर्क अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक नॉर्मल का इम्पल्स आ रहा है हिंज के अबाउट। मैं कहीं और अगर टॉर्क कंजर्व करूँ, मान लो कि मैं इधर टॉर्क कंजर्व करूँ, तो मुझे ये नॉर्मल के इम्पल्स का भी एक एंगुलर इम्पल्स लिखना पड़ेगा, है ना। क्यों ना मैं इस नॉर्मल के इम्पल्स को हटाने के लिए ये हिंज के अबाउट ही टॉर्क इक्वेशन लिख लूँ। ऐसे क्या होगा कि भाई जो मेरा नॉर्मल का इम्पल्स होगा वो तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो अगर मेरा नॉर्मल का इम्पल्स ज़ीरो हो जाएगा तो फिर मेरे को और कोई इम्पल्स कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस पार्टिकल का इम्पल्स जो आएगा वो तो मैं सिस्टम के वो इंटरनल इम्पल्स हो जाएगा रेक्टेंगुलर प्लेट और मास m के बीच का, वो भी नेगलेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मान के एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूँ तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड अबाउट हिंज। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि नॉर्मल का इम्पल्स यहाँ पे जीरो हो रहा है, और कोई पॉइंट पे लोगे तो नॉर्मल का इम्पल्स यूज करके आप फिर एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम से इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर पूछा जाए कि एंगुलर इम्पल्स क्या होगा नॉर्मल का तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट इसमें अभी मैं फॉर अभी मेरे को पूछा गया कि भाई ओमेगा क्या है तो ओमेगा के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि भाई यहाँ के अबाउट टॉर्क कंजर्व करो, क्योंकि सॉरी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो क्योंकि टॉर्क नेट इस पॉइंट के अबाउट जीरो हो रहा है ना, क्योंकि टॉर्क नेट जीरो हो रहा है अबाउट हिंज। ऐसा है तो मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखता हूँ इस हिंज के अबाउट, है ना। तो अगर मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखूँ हिंज के अबाउट, तो ध्यान से देखिए ये u वेलोसिटी से आ रहा है, हिंज के रिस्पेक्ट में जो ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कौन सा है। अगर मैं बोलूँ ये 2a है तो जाहिर सी बात है आप यही बोलेंगे कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे जब ये वेलोसिटी से आया होगा तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी a, है ना। तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम क्या लिखूंगा m v क्रॉस r, तो v क्रॉस r में v और r जो है वो परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा कि m u a, जब m v क्रॉस r लिखूंगा, वैसे तो ये वाला a है जो मेरा r है वो ये वाला वेक्टर है, बट मैं जो उसका परपेंडिकुलर जब मैं इसका साइन थीटा ले लूंगा दोनों का तो मेरा ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। आप करके देख सकते हो, बट मैं इधर में डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि यहाँ पे ये एम यू ए आएगा जो मेरा फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा,
है ना, फाइनल एंगुलर मोमेंटम में ये पार्टिकल ऐसे चिपक जाएगा, है ना। अब ये पार्टिकल चिपक चुका है ना, और ये चिपकने के बाद दोनों साथ में घूम रहे हैं मस्ती में, तो क्या होगा कि भाई ये आई ओमेगा लिखूंगा मैं, जो मेरा नेट एंगुलर मोमेंटम होगा, और ये जो आई होगा जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस आई के दो पार्ट्स होंगे। क्यों? क्योंकि आई एक तो सिलेंडर, आई एक तो रेक्टेंगल के कारण आएगा, और दूसरा आई क्यों आएगा, दूसरा आई इस पार्टिकल के कारण आएगा। ठीक है भाई, मेरे दो मास हैं अलग अलग, तो दो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेने पड़ेंगे। तो रेक्टेंगल के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि भाई एम, मुझे पता है कि भाई हिंज के अबाउट अगर मेरे को लिखना होता है तो एम बाय 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर मैं सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट के पास करूं, वेर ए एंड बी आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम बाय 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर बी की वैल्यू 2a गिवन है, है ना, तो मैं लिख सकता हूँ कि एम बाय 12 किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, यानी एम बाय 12 5a स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा ये और इधर तक का डिस्टेंस के बीच में। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को पता है मेरी एक्सेस ये वाली है ना, और एक्सेस से कितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो होगा ए ए, और ये वाला होगा ए बाय 2, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ए पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4 रूट 5 ए बाय 2। तो रूट 5 ए बाय 2 से जब आप सॉल्व करोगे तो ये मेरे एम आर स्क्वायर का, क्योंकि ये पॉइंट मास है तो इसमें एम आर स्क्वायर लगेगा और आर की वैल्यू ये है, तो ये आ जाएगा एम रूट 5 बाय 2 का रूट 5 बाय 2 इंटू ए का होल स्क्वायर। अच्छा, उधर आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया था, इधर आपने ये वाला डिस्टेंस ले लिया। क्यों भाई, ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना, इसमें तो मैं वो जो मेरा डिस्टेंस है एक्चुअल डिस्टेंस वही लूंगा, यहाँ तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा था इसलिए मैंने यहाँ का ये वाला डिस्टेंस लिया था, है ना। तो अब मैं सॉल्व करूंगा इसको, इसको अगर आप और सॉल्व करोगे तो ये 5a स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, तो ये 5ma स्क्वायर बाय 4 है, यहाँ पे 5ma स्क्वायर बाय 12 है, ये प्लस 5ma स्क्वायर बाय 4 है ना। इसको मैं और रिफाइन करके लिखूँ तो 15ma स्क्वायर बाय 12 आ जाएगा ये, है ना, एलसीएम ले रहा हूँ मैं बेसिकली। तो 5ma स्क्वायर बाय 12 प्लस 15ma स्क्वायर बाय 12 मुझे पता है कितना होगा, 20/12 ma स्क्वायर, ठीक है, 20/12 ma स्क्वायर, या फिर ऐसा बोला जाए 10/6, और सिंप्लीफाई करूँ तो 5/3, तो ये 5/3 ma स्क्वायर के बराबर आ जाता है फाइनली टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का। ठीक है, अगर ये 5/3 ma स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो ये i की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, और वो आएगा 5/3 ma स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब मुझे बस यही करना है कि मुझे इनिशियल और फाइनल की वैल्यू इक्वेट करनी है ना, तो मैं बोलूँगा क्या कि भाई एम यू ए इज इक्वल टू 5ma स्क्वायर बाय 3 ओमेगा, है ना, एम एम कट जाएगा, ए कट जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, 3u बाय 5a, जो कि मेरा आंसर होगा। डेट्स ऑल।